सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 437 को, क्योंकि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड स्टार्टिंग में वो ओल्ड मैन इन लोगों से कहता है कि सर, लेबर हाउस में सरवाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे या तो वर्कर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके एक एल्डर बन पाते हैं, या फिर कुछ लोग बोनों की तरह नीचे जमीन पर पड़े रहते हैं। वो बोना जो कि कुछ भी नहीं करता और आराम से एक कोने में पड़ा रहता है, वो बोना मैं हूँ। मैंने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस कर रखा है, इसीलिए मैं हर किसी के लिए बिल्कुल बेकार दिखता हूँ, और इसी वजह से मैं इस जगह पर अपने बुढ़ापे तक पहुँच पाया हूँ। और मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं ही यहाँ पर सबसे ज्यादा बूढ़ा हूँ, इसलिए मैंने अपने उस स्तर तक देखभाल करना छोड़ दिया है। तो अब तभी ज़ूफ़ेन भी उस ओल्ड मैन से कहता है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह पर होता, ये जानते हुए कि मैं एक दिन किसी के चाकू से मारा जाऊंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपना रास्ता निकालने के लिए कड़ी मेहनत करता, ना कि मैं अपने आने वाली मृत्यु के लिए इंतजार करता। तो तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि यंग मास्टर, ये सोचने का सबसे सरल तरीका है, हमारे इस लेबर हाउस में सभी लोगों के बहुत ही ज्यादा लो कल्टीवेशन है, और हम लोग ये नहीं जानते कि हम लोग इस बैरियर को कैसे खोल पाएंगे और यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देते, इसे समझना सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा क्रूल है और हर कोई इस चीज का पालन करता है। जन्म के बाद से ही एक इंसान का भाग्य हमेशा मौत से संघर्ष करता रहता है, और सिर्फ एक चीज है जो इस चीज को बदल सकती है, एक इंसान की स्किल्स। दुख की गहराइयों से निकलकर एंड पर फाइनली शक्ति प्राप्त होगी। तो अब इसी के साथ में हमें ज़ूफ़ेन को दिखाया जाता है कि उस ओल्ड मैन की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि सचमुच इस बूढ़े आदमी को तो इस वर्ल्ड के नेचर की काफी ज्यादा डीप नॉलेज है। दूसरी ओर वो बूढ़ा ये सारी बातें करने के बाद ज़ूफ़ेन को देखता है और फिर हंसते हुए कहता है कि एल्डर्स, मेरे मैनर्स कहाँ हैं? बहुत समय हो गया मैंने आपसे नहीं पूछा, और ना ही मुझे पता है कि आप अपने आप को क्या कहते हैं और आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। अब तभी रेड डीमन भी उनसे कहता है कि ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। इतना कहकर के वो चारों डीमन्स अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं, और फिर वो उस ओल्ड मैन से हंसते हुए कहते हैं, ओल्ड टाइमर, अपनी आंख खोल करके देखो, हम चार चौकड़े इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ग्रेसफुल और मैजेस्टिकल डेमोनिक कल्टीवेटर हीरोज हैं, द फोर स्कैमिंग डीमन्स। अब उन डीमन्स के इस इंट्रो को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, एग्जीक्यूटिव्स, प्लीज मुझे मेरे लैक ऑफ मैनर के लिए माफ करना। इतना कहने के बाद फिर वो ओल्ड मैन आगे कहता है कि क्या सर, मैं ये जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? तो अब तभी रेड डीमन उससे कहता है कि हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि स्टीवर्ट ज़ू ने अपने कुछ अजीब कारणों से सेक्ट लीडर को नाराज कर दिया है, इसलिए उन्हें डिमोट करके लेबर ऑफिस में डाल दिया गया है। हालांकि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सब बस सिर्फ कुछ शॉर्ट टाइम के लिए है, तो इसलिए इनकी अच्छी देखभाल करना ना इस सब के लिए सिर्फ तुम ही उत्तरदायित्व होंगे। तो अब तो भी रेड डीमन की ये बात सुनने के बाद वो ओल्ड मैन भी कहता है कि एल्डर्स, मैं यंग मास्टर ज़ू को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन लेबर हाउस में सिर्फ कुछ अनिश्चित ही यंग मास्टर हैं। तो अब इधर उस ओल्ड मैन की ये बात सुनने के बाद में और उसके ऐसे चेहरे को देखने के बाद में ज़ूफ़ेन भी अपने मन में कहता है कि यहाँ जरूरी कुछ ना कुछ चल रहा है। तब इधर रेड डीमन चिल्लाते हुए उस ओल्ड मैन से कहता है, आखिर क्या अजीब अनरूली, तुम बस हमारे टाइटल का यूज करना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब तभी पीछे खड़ा ज़ूफ़ेन भी उन लोगों से कहता है कि क्या तुम्हारा टाइटल इतना ज्यादा जाना पहचाना है जो कि किसी के भी कानों में आते ही उसे चौंका देगा। अब तभी ज़ूफ़ेन की ये बात सुनने के बाद में वो चारों डीमन जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी स्किल्स के हिसाब से तो आपको हमारी केयर की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना कहने के बाद फिर वो चारों डीमंस वहां से जाते हुए ज़ूफ़ेन से कहते जाते हैं कि तो फिर सर, आपकी स्टे बिल्कुल अच्छी रहे, जबकि हम इस बात की पूछताछ करेंगे कि ये सब पहले कैसे हुआ, और हम लोग आपको बाहर जरूर निकाल करके रहेंगे। तो इतना कहकर के वो चारों डीमंस भी वहां से चले जाते हैं, जबकि पीछे खड़ा वो ओल्ड मैन ज़ूफ़ेन को ही देख रहा होता है। जबकि इधर ज़ूफ़ेन अपने मन में कहता है कि मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ये चार स्कैमिंग डीमंस एक दिन मेरी देखभाल करेंगे। दूसरी ओर वो ओल्ड मैन ज़ूफ़ेन से कहता है कि मिस्टर ज़ूफ़ेन, आपके पास सचमुच बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैंने अपने हिस्से के फेयर स्ट्रॉन्ग लोगों को यहाँ लेबर ऑफिस में आते हुए देखा है, लेकिन स्टीवर्ट ज़ू जैसा पहले कभी भी नहीं, जिन्हें की इतने सारे एग्जीक्यूटिव्स उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो अब इधर उस ओल्ड मैन की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफ़ेन भी उसकी ओर मुड़ करके देखता है और उससे कहता है कि आप बस मुझसे ज़ूफ़ेन कहिए और मैं सर आपको एल्डर युआन कहा करूंगा। अब इधर ज़ूफ़ेन की ये
मशवरा सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन हड़बड़ाते हुए उससे कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मैं इस चीज को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं तो बस सिर्फ एक छोटा सा बोन टेम्परिंग कल्टिवेटर हूँ जो कि सर के नीचे का एक पूरा मंच है। तो अब इधर ज़ूफ़ेन भी हंसते हुए कहता है कि आखिर इस चीज का किसी भी चीज से क्या लेना देना है, जब कभी भी मैं किसी की रेस्पेक्ट करता हूँ तो उसके पास कुछ न कुछ मूल्यांकन तो होता ही है। सर की कल्टिवेशन भले ही काफी ज्यादा कम है लेकिन उनके इस वर्ल्ड के नेचर को जानने की नॉलेज सचमुच इस चीज की तो कोई भी तुलना नहीं कर सकता, और आपके टैलेंट के लिए बस इतना ही काफी है और इससे आकाश ही आपकी लिमिट है। इतना कहकर के ज़ूफ़ेन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और अपने पास से एक पिल निकालते हुए उस एल्डर को देते हुए उससे कहता है कि ये मेरे क्लैन की हेवन रीचिंग पिल है, ये आपकी बॉडी कल्टिवेशन को बहुत ही ज्यादा आसान बना देगी, तो चलिए हम सब मिलकर के हेवनली डाउ के ऊपर बातचीत करते हैं। इतना कहकर के ज़ूफ़ेन उस पिल को उस ओल्ड मैन को दे देता है, जिसको कि लेकर के वो ओल्ड मैन भी खुश होते हुए कहता है कि क्या ये एक 10th ग्रेड की पिल है। तो तभी ज़ूफ़ेन कहता है कि एल्डर यान आप सचमुच काफी ज्यादा समझदार हैं। बॉन टेम्परिंग स्टेज में होते हुए भी आपको अभी भी इस तरीके की पिल के बारे में पता है। तो अब तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मेरे दिनों में एज अ लेबर मैं अपने आसपास के अल्केमिस्टों की मदद किया करता था और तभी किस्मत से मुझे एक 10th ग्रेड की पिल को देखने का मौका मिला, पर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक बार फिर से इस पिल को देख पाऊंगा। तो इतना कहने के बाद फिर वो ओल्ड मैन युआन अपनी आंखों में सितारे चमकाते हुए ज़ूफ़ेन से कहते हैं कि मिस्टर ज़ू ये हमारी पहली मुलाकात है मगर मुझे एक इतने बड़े गिफ्ट को लेते हुए काफी ज्यादा शर्म आ रही है। अब इधर एल्डर युआन की ऐसी हरकतों को देखते हुए ज़ूफ़ेन भी हंसते हुए कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, मेरे पास ये बहुत सारी हैं। इतना कहकर के ज़ूफ़ेन वहाँ से आगे की ओर जाने लगता है। तभी एल्डर युआन ज़ूफ़ेन से कहते हैं मिस्टर ज़ू फिर आपने ये क्यों कहा कि आप यहां फिर से, आपके पास एक 10th ग्रेड की पिल है तो फिर आप इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में क्यों आए हैं। तो तभी ज़ूफ़ेन कहता है कि जब आप किसी चीज के लिए बाध्य हो तो आप इसमें मदद नहीं कर सकते हैं। इतना कहने के बाद फिर ज़ूफ़ेन उन घरों में आगे जाते हुए कहता है कि एल्डर युआन मुझे बताओ कि मैं कहाँ रहूंगा। तो अब इधर ज़ूफ़ेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा ये वाला सीन चेंज होता है। इसी के साथ में अगला सीन हमें एक खूबसूरत सी जगह का दिखाया जाता है जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट का होता है। वहीं पे हमें फेरी सुई को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसाइपल्स के साथ में मिलकर के कल्टीवेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे दो एल्डर खांसते हुए आते हैं, एक एल्डर दूसरे एल्डर से पूछते हैं कि एल्डर ज़ू क्या सीनियर सिस्टर हुआ की कंडीशन काफी ज्यादा लाइट नहीं थी, तो फिर आखिर इसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, तो क्या हमें फादर और वेनरेबल को इसके बारे में बता देना चाहिए। तो अब तभी दाढ़ी वाले एल्डर कहते हैं कि यंग मास्टर ये चारों फोर एलिमेंट साइकिल अरे मेटल वुड वाटर और फायर को होल्ड करके एक साथ मिलकर के कल्टीवेट कर रही है और अर्थ के मिल जाने से ये साइकिल पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाती है और इस ग्रेट साइकिल के इफेक्ट से रू हुआ की हालत में कुछ ही समय में सुधार हो जाएगा। तो इसलिए इतनी छोटी सी बात पर सेक्ट लीडर और बाकी के सभी लोगों को परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब इसी के साथ में हमें फेरी सुई रू हुआ को दिखाया जाता है जो कि अब अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को पूरा करने के बाद में अपनी साथ वाली लड़कियों से कहती हैं कि जूनियर सिस्टर्स मुझे बचाने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। कि बाकी की लड़कियां उनसे कहती हैं कि सीनियर सिस्टर आपको इस चीज के लिए थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि दूसरी ओर वो यंग मास्टर फेरी सुई से कहता है सीनियर सिस्टर रू हुआ क्या आप ठीक है। तो फेरी सुई कहते हैं कि हाँ बिल्कुल कोश। तो गाइस अब इधर फेरी सुई के इतना कहने के साथ ही मैं फाइनली काफी सारे दिनों के बाद में हमें हमारी प्यारी और खूबसूरत सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है। क्योंकि फेरी सुई से कहती हैं कि सीनियर सिस्टर अब जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो फिर अब मैं भी अपनी ट्रेनिंग पर वापस जा रही हूँ। तो गाइस अब इधर सिस्टर चूचू के इसी प्यारे लुक के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाता है। और गाइस अब तो मेरा भी मन काफी जल्दी इसका नया एपिसोड देखने का कर रहा है, लेकिन क्या करें अभी फिलहाल इसका अगला एपिसोड तो आप लोगों को अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं इसी के साथ किसी और नई वीडियो में।